नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो जो ये एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 का जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसका दो क्लासेस हो चुका है, ठीक। इसमें हम मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करा रहे हैं। तो इसके पहले दो क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया है कि 4800 के 40% के 25% का मान क्या होगा। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आपके पास 20 सेकंड का समय है, आप एक बार बताइए। आइए देखते हैं, कह रहा है कि 4800 के 40% के 25% का मान हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 4800 यहाँ पे हम लिख लेंगे, 4800 के 40% और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हमें 100 लिखना पड़ेगा, और गुणे उसका 25%, यानी इसका भी क्या निकालना पड़ेगा 25%। तो यहाँ पे 100 लिख दो, ठीक। अब 00 से इस 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 एक कम 4 और 10 चौक 40, ठीक। तो क्या बचा, यहाँ पे बचा है कि 48 और गुणे में क्या बच गया, 10। तो 48 को 10 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 480 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दो संख्या 5:9 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम कितना है, 14 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एलसीएम हमसे पूछा है, ठीक है। दो संख्याएं 5 और 9 के अनुपात में है, इनका एलसीएम 14 है, तो उनका एलसीएम हमें बताना है। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, हम मान लें कि वो संख्या क्या हो, दो संख्याएं हैं फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों संख्याएं, और ये किस अनुपात में है, तो ये है 5 और 4 के अनुपात में, ठीक। किसके अनुपात में, 5 और 4 के अनुपात, और इनका जो एचसीएफ है कितना है, 14। तो संख्याएं क्या होंगी, 14 से इनके एचसीएफ से हम गुणा करा देंगे, 14 × 5 कितना हो जाएगा, 70, और ये कितना हो जाएगा, गुणे 14, ठीक। सॉरी, ये है 4 नहीं 9 के, यहाँ पे 4 नहीं है, ये 9 है, ठीक। कितना है, 9, यहाँ पे क्या है, 9, ठीक। 5:9, ठीक। तो ये 14 × 9 कितना हो जाएगा, 126, 14 × 9 = 126। तो जो संख्या क्या क्या है, 70 और 126, इनका एलसीएम पूछा है, एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे 70 और किसका, 126 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। निकाल लेते हैं एलसीएम, 2 से काटते हैं, 35 × 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 × 12, 3 × 6। एक बार आप फिर 3 से काट लेते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 35 तो कटेगा ही नहीं, ये तो इस तरह लिखा जाएगा, और ये 3 × 6, 3 × 1 = 3। फिर एक बार 3 से कटेगा, तो 3 से फिर काट देते हैं, तो अगर हम 3 से काटेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 35 तो कटेगा ही नहीं, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 7 × 21। अब इस बार किससे काटें, 5 से काट लें, 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 7 × 5 = 35, और ये 7, और फिर एक बार लगभग किससे कटेगा, इस बार 7 से, तो ये संख्या हो जाएगी 3 × 6 = 18, 18 × 5 = 90, 90 × 7, 90 × 7 कर दो तो इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम बराबर, ठीक। तो एलसीएम क्या रहेगा, 963, और 10 तो रहेगा ही, यानी कि वो संख्या, इसका एलसीएम क्या होगा, 630। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि एक संख्या 867y8 है, 6 से पूर्णतया विभाजित है, जो ये संख्या लिखी है ये पूर्णतया 6 से विभाजित है, तो y का मान क्या होगा। चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं।
अब देखिए यहाँ पे ये जो संख्या लिखा है 8 6 7 y 8, ये 6 से पूर्णतया विभाजित है। अब 6 से पूर्णतया विभाजित तो हमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल वह होता है कि जो यह संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो तो वो 2 से मतलब 6 से भी विभाजित होगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि उसका लास्ट वाला प्लेस क्या हो, सम हो या 2 से विभाजित हो जाए। तो ये 2 से विभाजित भी है, सम भी है। और 3 से इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का होता है कि दी गई सारी संख्याएं जोड़ के उसको 3 से विभाजित करते हैं। अगर 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है तो वो 6 से विभाजित होगा। ठीक, अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा होता है कि वो संख्या 2 से होनी चाहिए विभाजित और 3 से, तो 2 से तुम्हारा वेरीफाई हो गया। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, 8 6 14 14 6 20 और 21 21 और 8 कितना होगा, 21 8 29। तो ये 29 और प्लस में वाई है, तो वाई के स्थान पे ऐसा क्या लिख दिया जाए कि ये हमारा 3 से विभाजित हो जाए। तो 29 के बाद एक अंक आता है, एक मतलब एक अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 30, और 30 हमारा 3 से विभाजित होगा। तो 10 3 30 यानी कि हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, एक। और अगर एक लिख के 3 से विभाजित होगा तो हमारा 6 से भी होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 48,000 है तब इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा 3 संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में, ये तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 48,000 है। ये संख्या मान ले क्या है, 1x है इंटू 2x है इंटू 3x है। ठीक, और क्या है, और यहाँ इन तीनों का गुणनफल कितना है, 48,000। ठीक है, 48,000। अब गुणा करके देख लो, यहाँ पे एक से गुणा करेंगे, 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा, और x 3 बार है, 3 मतलब x का पावर 3 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और बराबर 48,000 है। ठीक है, अब देखो 6 इधर गुणा किया उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इधर काट लेते हैं, 6 6 6 8 6 48, कितना आएगा, 8,000 आएगा, और इधर क्या बचा, एक्स क्यूब। अब ये बताइए कि 8,000 किसका क्यूब होता है, 8,000 होता है 20 का क्यूब, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20। ठीक, x बराबर 20 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि संख्याओं का योगफल, तो संख्याएं क्या थी, हमने क्या माना था, 1x/2x और क्या थे, 3x थे। ठीक, अब x का वैल्यू कितना है, 20, तो ये तो 20 ही हो जाएगा, 20 प्लस 2x है तो x का वैल्यू 20, तो 20 दुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20 से 60। अब सभी को जोड़ लो कितना होगा, 20 और 40 कितना होगा, 60 और 60 60 कितना होगा, 120। तो वो संख्या क्या होगी, 120, उसका योग 120 ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए बी और सी 8650 रुपये के लिए किराए पर जनरेटर लाए। ए बी और सी ने क्रमशः 2.3, 2.5 घंटे और 1.5 घंटे के लिए इसका प्रयोग किया। ठीक, सी को किराए के रूप में लगभग कितना भुगतान करना है। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा कि ए बी और सी 3 लोग हैं, ए हैं बी हैं और सी। ठीक, ये तीनों लोग, ए ने यूज किया, इसका प्रयोग किया है 2.3 घंटे। ठीक, और प्लस में इन्होंने यूज किया, बी ने 2.5
5 घंटे, ठीक। और प्लस सी ने यूज किया, कितना यूज किया, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। और टोटल जनरेटर का किराया कितना है, 8650 है, 8600। अब सभी को जोड़ लेंगे, 5, 5, 10 और 3, 13 के 3 हासिल कितना आएगा, 1 आएगा, 2, 2, 4 और 1, 5 और 1 हासिल 6, 63.3 और ये किसके बराबर है, 8650 के बराबर, 8650। अब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हमें एक जीरो और लिखना पड़ेगा। अब इसी को भाग करके देख लेते हैं, 63 को हम 8650 से भाग कर लेते हैं, 86 और 5 00 हो जाएगा, ठीक। अब भाग करके देख लेते हैं कितना आएगा, एक बार में लेके जाएंगे एक बार में, तो ये हो जाएगा, एक बार में लेके जाएंगे तो 63 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 23 बचेगा, ठीक। अब फिर उतरेगा क्या, 5। अब 3 बार में जाएगा ये, तो 3 तरीक का 9 हो जाएगा और 6 तरीक 18 हो जाएगा, इसमें से भी माइनस कर देते हैं तो 15 में से 9 हो जाएगा तो 6 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या उतरेगा, 0 उतरेगा, ठीक। फिर उसके बाद में कितने जाएगा, लगभग ये 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा तो कितना जाएगा, 7 तरीक 21 के 1 हासिल आएगा 2, और 7 छंग 42, 42 और 2 कितना होगा, 42 2 44, ठीक। इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक। और ये बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और ये फिर क्या उतरेगा, 0 यहाँ पे। अब फिर कितने बार जाएगा ये, एक बार, अगर दो बार लेकर जाएंगे, 3 बार लेके जाके देखते हैं, 3 बार लेके गए थे तो कितना हुआ था, 289, हाँ 3 बार में जाएगा कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और ये 8 में से 8 जाएगा 0, ठीक। और यहाँ पे दशमलव करके कुछ आएगा लगभग, ठीक, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। अब इसको गुणा कराते हैं किससे, हमसे पूछा है किससे, पूछा है सी का वैल्यू, पूछा है सी का किराया कितना देना होगा, सी को कितना देना है, यहाँ देना पड़ता है 1.5, तो 1, 7, 3, 7, 3 को गुणा करा दें किससे, 1.5, यानी कि 15 से भी दशमलव लगा देंगे, तो 15 या 45 के 5 हासिल कितना आएगा, 4, 15 सत्ते 105, 105 और 4 कितना हो जाएगा, 109 हासिल कितना आएगा, 10। और फिर यहाँ पे 15 या 45, 45 और 10, 55 के 5 हासिल आएगा 5, 15 एकम 15, 15 5 20, 0.1 अंक बार लगा यहाँ पे लगा देते हैं, तो 2000 से शुरू होगा, वही हमारा आंसर शुरू सही होगा, तो 2095 यहाँ पे आ रहा है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ छोड़ दिए थे, इसलिए यहाँ पे 2060 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय के पदों में कितनी है, तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यहाँ पे दो लोग हैं, ए हैं और बी हैं, इनके आय की बात की जा रही है, आय यानी कि कमाई की, ठीक, आय ए और बी की। अब कह रहा है कि जो ए की आय है बी की आय से 25% अधिक है, हम मान ले बी की आय कितना हो, 100 हो, अब इनसे 25% क्या है, ये अधिक है, ये इनसे कितना परसेंट, 25% ये अधिक है, ठीक, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, ए की आय कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि बी की जो आय है, बी की आय है, बी की आय कितना है, 100 है, बी की आय ए के पदों में कितनी है, ए का पद एक मतलब ए का आय कितना है, 125, और परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब परसेंटेज दिया तो यहाँ पे 100 से गुणा करा देंगे। अब यहाँ पे काट लेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंचे
125, यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा 100 से गुणा होगा तो ये 400 हो जाएगा। 400 बट्टे क्या हो जाएगा 5, 5 से भाग कर दें, 5 एक कम 5, 8 बचे 40, कितना परसेंट 80%। तो यहाँ पे कहीं पे दिया है, हाँ यहाँ पे बी की आय ए के आय का 80% है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 28% व 36% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है? तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा दो संख्या, यहाँ पे तीन संख्या है, ठीक है, तीन संख्या है, तो हम पहले तीन संख्या बना लें, पहली संख्या हो जाए ये दूसरी हो जाए और ये तीसरी संख्या हो जाए, ठीक। अब क्या कह रहा हमसे, दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 28% और 36% कम है। हम मान लें जो तीसरी संख्या हो कितना हो 100 हो, और ये पहली संख्या 28 कम है 100 से, तो 100 से 28 कम है यानी है कितना, 100 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाए 72 हो जाए, ठीक, और दूसरी संख्या 36 कम है 100 से, 100 से कितना कम है 36 कम है, यहाँ पे 36 घटा दें तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 6 मतलब 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी एक संख्या दूसरी कितनी है 64 है, ठीक। तो कह रहा है कि दूसरी जो संख्या, ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है, हाँ छोटी तो है लेकिन कितने परसेंट, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 12 में से 8 चार जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 6 बचे, 6 में से जाएगा 0, यानी कि 8 छोटी है, किससे छोटी है 72 से छोटी है, 72 यहाँ पे लिख दें, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दें, ठीक। अब देखो 8 एक कम 8, 8 नवा 72 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बचा, एक से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और नीचे क्या हो जाएगा 9, और ये परसेंटेज का साइन, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रीना ने अपने पास मौजूदा धन का 20% रीता को दे दिया, रीता ने प्राप्त धन का 25% विद्यालय शुल्क पर, 40% किताबें खरीदने पर खर्च किया, यदि उसके पास 1680 रुपये बचे हैं तो रीना के पास प्रारंभ में कितना धन था? तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा रीना, हम मान लेते हैं रीना के पास एक्स धन था, कितना धन था एक्स धन था, अब इसके पास जो मौजूदा धन था 20%, कितना 20% रीता को दे दिया, रीता को कितना दिया 20%, रीता को दे दिया, तो 20 बट्टे क्या हो जाएगा परसेंटेज हटाएंगे तो 100, ठीक। सो अब कह रहा कि रीता को दे दिया, रीता ने प्राप्त धन का, अब जो रीता को इतना ही धन तो मिला, अब इसका जो प्राप्त धन है, अब इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 2 से कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एक एक कम एक, और ये 5 दूनी 10, यानी क्या आया x बटे 5, इतना ही धन तो रीता के पास मौजूद है, रीता के पास x बटे 5 ही धन तो है, अब इसका इन्होंने क्या किया, इसी धन का 25% विद्यालय शुल्क में जमा कर दिया, इसका इसी धन का x गुणे x बटे 5, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे x बटे 5 धन का 25%, कितना परसेंट 25, तो 25 बटे क्या हो जाएगा 100, ये धन कहाँ पे जमा कर दिया विद्यालय के शुल्क पर, और 40% इसी का, और 40% इसी का x बटे 5 का क्या किया इन्होंने, 40% किताबें खरीद ली, किताबों पर खरीद खर्च कर दिया, ठीक, x बटे 40 बटे 100, और यदि इसके पास 1680 रुपये बचे हैं, अभी बचे कितने हैं 1680 रुपया, 1680
₹80 बचा। ठीक, तो उसके पास रीना के पास प्रारंभ में धन कितनी थी, यानी कि x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कट रहा तो काट दो, ये हो जाएगा 25, एक कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, या तो इस तरह मत काटो, यहाँ पे काटो 5 एक कम 5 और 50 25। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे समझ लो कि भाई 100 लिखा हुआ है, इसको इरेज करते हैं। लिखा था 25/100 लिखा था। ठीक, अब इसको काट दो, 5 एक कम 5 50 25। ठीक, अब कुछ और कटेगा, 5 एक कम 5 8 पंचे 40, और यहाँ पे हो जाएगा ये, हाँ, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा, अभी लिखा है x बटे 5 और माइनस क्या हो जाएगा ये x बटे, यहाँ पे ये 5 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x बटे और यहाँ पे 100। ठीक, ये वाला 100 और माइनस हो जाएगा 8x बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा ये कितना 1680, 1680 हो जाएगा। अब तीनों में कुछ कामन दिख रहा है, तीनों में कामन दिख रहा है 100। ठीक, यहाँ पे हम कामन ले लेते हैं, मतलब तीनों का इनके हर का एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 100 बने, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 20 से करना पड़ेगा, तो ये 20x हो जाएगा और माइनस ये 100 से 100 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5x और माइनस का ये हो जाएगा 8x। ठीक, और बराबर में 1680 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा स्पेस निकाल देते हैं, ठीक, इसको थोड़ा भी इधर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 20x माइनस 5x माइनस 8x, तो ये क्या हो जाएगा 20x माइनस का 5x और 8x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, कितना 13x। और इधर देखिए ये 100 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 1680 और 00 और हो जाएगा। ठीक, अब 20x में से 13x घटाएंगे तो कितना बचेगा 7x बचेगा, और 7x बराबर क्या है 1680 और 00 और। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हम इससे भाग कर देंगे 7 एक कम 7 दुनी 14, कितना बचेगा 14 और 2 16 2 बचेगा, और 7 चौक 28 और 3 जीरो बचा, इसको लिख दो यहाँ पे, तो x बराबर क्या आएगा 24,000 आएगा, कितना 24,000। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक महिला ने 16,500 में 10% लाभ पर एक वस्तु को बेची, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, बहुत इजी है, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, देखिए इन्होंने एसपी किया, एसपी किया कितना 16,500 का, 16,500 का एसपी किया। ठीक, और इन्हें 10% का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ इन्हें, प्रॉफिट हुआ इन्हें 10% का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10, 1/10, ये 10 नीचे हमारा क्या होता है सीपी होता है। अब इन्हें ₹10 का खरीदे, 10% का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट कितने का, ₹1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक, 10 का खरीदे, 1 का फायदा पाए तो बेचेंगे कितने का, एसपी करेंगे ₹11 का। अब यही 11 किसके बराबर दिया, 11 दिया है 16,500 के बराबर, 16,500 के बराबर।
तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर होगा 16 एकम 16 और 5 बचेगा 55 हो जाएगा, 11 बचे 55 और 00 यानी एक बराबर 1500। हमसे 10 का वैल्यू पूछा है, 10 से गुणा करा दो यहाँ पे 1500 को, 1500 और गुड़े यहाँ पे 1500 और गुड़े क्या कर दो 10 यानी कितना हो जाएगा 15000 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15000 यहाँ पे 15 है। ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक चावल व्यापारी अपने चावल को क्रय मूल्य पर 40% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह 50% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। ये देखते हैं, कह रहा है कि एक चावल व्यापारी अपने चावल को 40% हानि पर बेचता है, यानी हम मान ले कि जो व्यापारी है चावल का, वो सीपी किया हो कितने रुपए का, 100 रुपए का खरीदा हो, और इसमें उसको मात्रा कितना मिला हो चावल का, मात्रा भी इसको 100 ही ग्राम मिला हो, 100 रुपया अपने घर से खर्च किया हो, रुपया यहाँ पे लिख देते हैं, 100 रुपया खर्च किया और उसको मात्रा कितना मिल गया, 100 ग्राम चावल मिल गया। ठीक, अब वो क्या किया, कह रहा है कि अब हम 40% लॉस पे अपना सामान बेच रहे हैं, कितना 40% के घाटे पर। ठीक, अब इसका एसपी क्या हो जाएगा, 100 रुपये का खरीदा और 40 रुपये का घाटा हुआ, तो घाटा कितने का हुआ, मतलब बिकेगा कितने का, 60 का बिकेगा। अब लेकिन क्या किया इन्होंने, तौलते समय इन्होंने क्या किया, 50 ग्राम की चोरी कर ली, कितने ग्राम की, 50 ग्राम की चोरी कर ली, तो 100 का था मतलब 100 ग्राम था, 50 ग्राम उसका 50% चोरी कर ली, तो बचा कितना इनके पास, 50 ग्राम बचा, 50 ग्राम पैसा मतलब उस मात्रा मिला। अब पैसा लग रहा है इनका 50 ग्राम का, पैसा पा रहे कितना, 60 रुपया। तो देखो 50 का सामान खरीदे, मान लेते हैं 50 का सामान खरीदे और 60 का बेचे, तो फायदा कितना पाए, 10 रुपये का, किस पे पाए हैं, 50 पे पाए हैं, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करा दो और प्रॉफिट परसेंट मतलब परसेंटेज का साइन लगा दो। अब 50 एक कम 50, 50 दुना 200 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 20%, 20% का इन्हें क्या मिल गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना मिला, 20% का। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक जलाशय 2 प्रवेशिकाओं को पी और क्यू द्वारा 4 घंटे में भर जाता है, प्रवेशिका पी क्यू से 4 गुना तेज है, टंकी भरने के लिए अकेले प्रवेशिका पी का कितना समय लगेगा। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, हम मान लेते हैं कि जो क्यों है वो प्रवेशिका क्यों है, ये एक मतलब 1 घंटे में टंकी भरने में कितना समय लगाता है, 1 घंटा लगाता है, कितना घंटा लगाता है, 1 घंटा लगाता है। ठीक, तो 1 घंटे में काम कितना करेगा, इसी का रिसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्यू द्वारा 1 घंटे में घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, क्यू द्वारा 1 आवर में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, इसी का रिसिप्रोकल हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। और जो पी है, पी इसका 4 घंटे तेज है, इसे 4 गुना तेज है, यानी कि क्यू से वो पी 4 गुना तेज है, तो पी का 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, पी का 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/a हो जाएगा, क्योंकि इससे 4 गुना तेज है, और दोनों मिलकर पी अपान क्यू, P प्लस Q ये कितने घंटे में करते हैं, 4। अब ये भी फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे सब फ्रैक्शन में, तो ये भी फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 1/a, और हमसे पूछा कि P को कितना समय लगेगा, तो हम यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं पहले, कितने घंटे लगता है Q को, तो 1/a बटा क्या बराबर मतलब प्लस क्या हो जाएगा, 4/a और बराबर 1/a भी हो जाएगा, क्योंकि सब बटे में ही है। ठीक, अब देखो तिरछा गुणा करा लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और प्लस 4a हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a
इस तरह नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको हम क्या कर लें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे क्या है, ए है, यहाँ पे भी ए है, दोनों का एलसीएम मतलब हर बराबर है, तो एक बार लिख देंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक प्लस चार बराबर हो जाएगा, और बराबर क्या है, एक बटे चार है, तो ये कितना हो जाएगा, पांच बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे चार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो पांचों बीस बराबर क्या हो जाएगा, ए। यानी जो क्यों है ये कितना घंटा लगाता है भरने में, 20 घंटा लगाता है, ठीक, तो ये 20 घंटा का लगाता है, तो क्यों कितना लगाएगा, क्यों, क्योंकि क्यों जो है पी से चार घंटा तेज है। अब क्यों, क्यों को लगा 20 घंटा, अब पी को कितना लगेगा, पी जो है क्यों से चार घंटा तेज है, तो इसको हम चार से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, पांचों बीस, तो कितना घंटा लगेगा पी को, पांच घंटा, तो कहां पे ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निखिल 1000 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी मतलब 250 किलोमीटर की घंटा के चाल से 600 किलोमीटर की दूरी समुद्री जहाज द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 800 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा तय, पूरी यात्रा तय करता है, यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल हमसे पूछा, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक, टोटल डिस्टेंस अपन क्या होता है, टोटल टोटल टाइम लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड इक्वल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम में कैसे मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे दिया है हवाई जहाज द्वारा, हवाई जहाज द्वारा यानी कि इसको मान ले T1, ठीक, T1 मान ले, हवाई जहाज द्वारा 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करता है कितने स्पीड से, 250 की स्पीड से, ठीक, तो इससे भाग करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हमें, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी है 1000 और चाल कितना है 250, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 का कैंसिल और 25 का 100, यानी 4 घंटे लगेगा इसको, कितने घंटे, 4 घंटे। अब T2 हम निकालें, T2 क्या है हमारा, T2 है ये समुद्री जहाज से 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, तो 600 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया किसके स्पीड से, 60 किलोमीटर, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 2 60, तो ये कितना घंटा लगाया, 10 घंटा लगाया, ठीक। अभी जो बाकी बचा 800 किलोमीटर की दूरी, ये ट्रेन द्वारा तय करता है, ट्रेन द्वारा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T3 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की दर से, तो यानी कि 800 मीटर को इसने तो चला 40 मीटर प्रति घंटे। अब 0 से 0 कैसे, 4 2 8, यानी कितना लगा इसे, 20 घंटा। हमारा एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी एक बार 1000 किलोमीटर चला इसने, और फिर उसके बाद में कितना, 1000 के बाद 600 किलोमीटर, और फिर उसके बाद में 800 किलोमीटर, ठीक, और चार, इतने समय कुल कितना लगाया, तो समय लगाए एक बार 4 घंटे प्लस 10 घंटे और प्लस 20 घंटे। अब इन्हीं सबको जोड़ के सबको भाग कर देंगे, हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक, एवरेज स्पीड, तो ये हो जाएगा 1000 इधर जोड़ो, 14 1400 ये हो जाएगा, और 1400 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2400, और भाग कर देंगे पूरे समय से, पूरा समय 34 है। अब इसको हम भाग कर देंगे, 17 2 34 और 12 2 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल 1200 भागे 17। अब देखिए यहाँ पे 17 है सब में, ठीक, हमारा ये दो मिक्स फ्रैक्शन में है और लास्ट में हमारा आएगा भी, अब एक बार हम भाग करके देख लेते हैं, तो 17 16 कितना होगा, 17 16 102, मतलब 17 7 102, ठीक, 7 7 49, भाग करके एक बार देख लेते हैं, 1200 और 17 से, ठीक, ये हो जाएगा, अगर हम 7 बार लेकर जाएं तो कितना होगा, 7 7 49 के 9 हासिल आएगा कितना, 4 और 7 एक 7 4 11,
119, हाँ इसी के लगभग आ रहा है, यानी कि 7 बार में जाएगा तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, ठीक। यदि मैदान का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है तो मैदान की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं एक हमारा क्या है आयताकार मैदान है, ठीक। ये इसका क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा इसकी चौड़ाई यानी कि बी हो जाएगा वृत्त, ठीक। और ये पूरा जो एरिया छक्का है ये क्या हो जाएगा मतलब इसका वो हो जाएगा क्षेत्रफल। तो कह रहा कि मैदान की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। हम मान लें कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई हो एक्स हो तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक। और कह रहा और उसका क्षेत्रफल ये जो बीच का गैप है ये कितना है 288 वर्ग मीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस जो मैदान की लंबाई कितनी होगी यानी कि हमसे इस वाली वैल्यू 2x का वैल्यू पूछा है तो आइए हम लगा लेते हैं। हम जानते हैं कि आयत मतलब आयत का एरिया बराबर क्या होता है, आयत का एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी इंटू बी लेंथ इंटू ब्रिथ, ठीक। तो हमें ये दे रखा है कितना हाँ एरिया दे रखा कितना है 288 और बराबर लेंथ कितना है, लेंथ है हमारा लेंथ है 2x है, कितना 2x और ब्रिथ कितना है x है केवल, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 288 बराबर 2 और एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब तो इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा यानी इससे कट जाएगा, तो 4 × 8 और 14 × 28 क्या आएगा 144 आएगा बराबर एक्स स्क्वायर। अब एक्स पे इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो भाग कर जाएगा मतलब अंडर रूट हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 144 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 144 किसका होता है वर्ग 12 का होता है, x बराबर क्या हो जाएगा 12। हमसे क्या पूछा है लेंथ पूछा है, लेंथ हमारा कितना लेंथ हमसे पूछा है लेंथ हमारा कितना 2x, x का वैल्यू हमें पता है कितना 12, तो 2 गुणे 12 कर दो कितना होगा 24 हो जाएगा। तो 24 हमारा कहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दो लंबी लंब वृत्तीय बेलनों का बेलनों के आधारों के त्रिज्याओं में तीन 3:4 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 4:5 का अनुपात है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दो लंब बेलन दो वृत्तीय लंब बेलन है, ठीक, उनके जो त्रिज्याओं का अनुपात है कितना है 3:4 यानी R1 का वैल्यू दिया है और अनुपात R2, ठीक। आधार लंब वृत्तीय क्षेत्र का मतलब रेडियस होगा R1 और R2, उनकी त्रिज्या कितना 3:4 होगा, ठीक। और इनकी ऊंचाई भी दे रखा है, ऊंचाई H1 और H2 का हमें ऊंचाई का रेशियो दे रखा है। हेलो यहां पे देखिए H1 और H2 दे रखा है, ठीक। और हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2πRh होता है, क्या होता है 2πRh होता है 2πRh। अब इन्हीं दोनों का पूछा है, दोनों का यानी कि 2πR1H1 हो जाएगा, इसी का अनुपात हमसे पूछा है दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो 2πR2 और H2 यही हमें निकालना है, ठीक। अब देख रख लीजिए 2π से ये 2π कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या R1 कितना है 3 है और H1 कितना है H1 यहाँ पे रखे नहीं 4:5 ये कितना दिया है 5 दिया, ठीक। तो यहाँ पे H1 कितना है 4 है 4 रख लीजिए और अनुपात लगा दो, ये R2 कितना है R2 है 4 है और H2 कितना है H2 है 5 है। अब इन्हीं का अनुपात बना लेते हैं 4×3 = 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4×5 = 20 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं तो ये कटेगा
चार से काटते हैं तो चार ते 12 और ये कटेगा चार से, चार पंचे 20, यानी इनका अनुपात क्या आएगा उनके क्षेत्रफलों का 3:5, तो 3:5 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया निम्नलिखित आलेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे लिखे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उसका चार्ट दिया ही नहीं, केवल यही दे दिया क्वेश्चन। चलो इसको स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया, ठीक है, निम्नलिखित आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। परीक्षा देखिए, यहाँ पे दिया है अन्य परीक्षा 16%, SSC दिया 20%, बैंक दिया है 22%, रेलवे दिया 17% और शेष दिया 15%, TET दिया कितना 10%। हमसे पूछा रेलवे, बैंक और अन्य सभी बीच, रेलवे और बैंक और अन्य सभी के बीच का अनुपात क्या है। पहले रेलवे और बैंक को हम जोड़ लेंगे तो रेलवे और बैंक कितना है 22% है और प्लस में 17% है और अन्य सभी का अनुपात पूछा, अन्य सभी क्या SSC अन्य, और यहाँ पे जितना बचे तो ये SSC कितना है 20 है प्लस अन्य कितना है 16 है प्लस TET कितना है 10 है और शेष कितना है 15 है प्लस 15। ठीक, अब इन्हीं का अनुपात हमसे पूछा है, जोड़ लो 22 और 17 कितना होगा 7, 2, 9 हो जाएगा और 2, 1, 39 अनुपात इसको जोड़ लो कितना होगा 20 और 10 30, 30 और 10 40 है 46, 46 और 46 चार 50, 50 और 10 60 और 1 कितना हो जाएगा 61, कितना हो जाएगा 61। तो ये किसी से कटने वाला तो है नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।